किटी केली अपनी किताब द रॉयल्स में लिखती हैं, एलिजाबेथ कहा करती थी, मेरा पहला बच्चा मेरे ही कमरे में पैदा होना चाहिए। 14 नवंबर 1948 को प्रिंस चार्ल्स पैदा हुए। चार्ल्स अपनी माँ एलिजाबेथ के बगल में सोते। माँ चार्ल्स को बहुत प्यार करती, लेकिन महज 4 साल तक ही ऐसा हुआ। चार्ल्स के पैदा होने के 2 साल बाद ही उनकी बहन एनी का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद एलिजाबेथ रानी बन गई। एक बार यूं हुआ कि महल में एलिजाबेथ बच्चों के सामने से गुजरी। छोटी एनी ने माँ के पास जाने की जिद की। चार्ल्स अपनी छोटी बहन को समझाते हुए कहते हैं, एनी हमारी माँ अब रानी बन गई है, उनके पास बहुत काम है। ये सच था। एलिजाबेथ रानी बनने के बाद अपने कामों में ज़्यादा मशगूल रहने लगी थी। शाही परिवार के जीवनीकार लिखते हैं कि एलिजाबेथ काम के बाद अलग से समय निकालकर प्रिंस चार्ल्स को घुड़सवारी सिखाया करती थी। चार्ल्स की उम्र बढ़ रही थी। माँ बाप नहीं चाहते थे कि चार्ल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। वो अपने बच्चे को आम नागरिक की तरह पालना चाहते थे, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि चार्ल्स को पढ़ाने घर में टीचर नहीं आएंगे, बल्कि वो स्कूल खुद जाएंगे। चार्ल्स ने 7 नवंबर 1956 को वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। इसके बाद चार्ल्स ने चिम प्रिपरेटरी स्कूल में एडमिशन लिया। उन्होंने अपने पिता, दादा और परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी। बाद में उन्होंने देश की नेवी में भी अपनी सेवाएं दी। पर्सनल लाइफ के बरक्स चार्ल्स की लव लाइफ सबसे ज़्यादा केंद्र में रही है। साल 1971 की बात है। चार्ल्स एक शाम विंसर ग्रेट पार्क में पोलो मैच देखने गए हुए थे। उसी दौरान एक महिला उनसे टकराई। स्वाभाविक रूप से वो महिला चार्ल्स को जानती थी। उसने चार्ल्स से आकर कहा, मेरी परदादी आपके परदादा की मिस्ट्रेस थी, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ एक सा है। चार्ल्स से बात कहने वाली महिला का नाम था कैमिला पार्कर बोल्स। दोनों मिलने जुलने लगे, मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गईं। चार्ल्स कुछ समय बाद नेवी में अपनी सेवाएँ देने के लिए घर से दूर चले गए। इससे दोनों की प्यार की कहानी में एक अल्पविराम लगा। कुछ समय बाद जब वो नेवी से काम करके लौटे तो पता चला कि कैमिला की एंगेजमेंट हो चुकी है। 1973 में कैमिला की शादी एंड्रयू पार्कर बाउल्स से हो गई। साल 1980 में चार्ल्स की मुलाकात हुई डायना से। डायना चार्ल्स से 19 साल छोटी थी। 24 फरवरी 1981 को ब्रिटिश शाही परिवार ने ऐलान किया कि चार्ल्स की डायना से सगाई हो गई है। इस खबर से मीडिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब तक मीडिया में चार्ल्स और कैमिला की कहानियां चला करती थी। 1981 में चार्ल्स और डायना की शादी की बात ने मीडिया में जोर पकड़ा। उस वक्त मीडिया में डायना की वर्जिनिटी पर खूब लिखा जा रहा था। चार्ल्स के कई प्रेम संबंध रहे थे, लेकिन उनकी होने वाली पत्नी का शादी के समय तक वर्जिन होना गर्व की बात मानी गई। यही वर्जिनिटी ब्रिटिश शाही परिवार की बहू बनने, अगली महारानी की दावेदारी रखने के लिए डायना की सबसे कीमती एलिजिबिलिटी थी। फिर 24 जुलाई 1981 को डायना और चार्ल्स की शादी हो गई, लेकिन अभी भी चार्ल्स के मन से कैमिला के प्रति प्यार मिटा नहीं था। बाद में बात डायना को भी धीरे धीरे समझ आने लगी। दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। दिसंबर 1992 में महारानी ने उन्हें इजाजत दे दी कि दोनों अलग अलग रहें। 1997 में एक कार एक्सीडेंट में डायना की मौत हो गई। चार्ल्स और कैमिला का अफेयर फिर शुरू हुआ। कैमिला ने अपने पति को तलाक दिया और साल 2005 में कैमिला और चार्ल्स ने शादी कर ली। कहा जाता है कि रानी एलिजाबेथ शादी से कभी भी खुश नहीं थी। डायना प्रकरण के अलावा चार्ल्स का और भी कई विवादों से नाता रहा है। साल 2013 में खबर सामने आई थी कि प्रिंस चार्ल्स की एक संस्था ने उसामा बिन लादेन के रिश्तेदारों से 10 करोड़ रुपए चंदे में लिए थे। ऐसे ही कुछ विवादों के चलते एक वक्त में ब्रिटिश जनता में उनकी स्वीकार्यता काफी गिर गई थी। मांग उठने लगी कि सीधे उनके बेटे विलियम को अगला राजा बनाया जाए। हालांकि हालिया समय में चार्ल्स की छवि में काफ़ी सुधार आया है। उन्हें पर्यावरण प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ साल पहले बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरी कार डीजल से नहीं, वाइन और चीज से चलती है। चार्ल्स राजा तो बन चुके हैं, लेकिन उनका राज्याभिषेक होना भी बाकी है। इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। पिछली बार से तुलना करें तो एलिजाबेथ फरवरी 1952 में रानी बनी थी और उनका राज्याभिषेक जून 1953 में हुआ था। नए राजा के साथ ब्रिटेन को नया उत्तराधिकारी भी मिला है। चार्ल्स के सबसे बड़े बेटे प्रिंस विलियम अब ब्रिटेन की गद्दी के अगले उत्तराधिकारी बन गए हैं। वर्तमान में उनकी शाही पदवी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है। आने वाले दिनों में उन्हें अपने पिता की पुरानी उपाधि प्रिंस ऑफ वेल्स प्रदान की जाएगी। वहीं चार्ल्स की पत्नी कैमिला अब क्वीन कॉन्सर्ट के नाम से जानी जाएंगी। अब जाते जाते एक जरूरी सूचना और सुनते जाइए। लल्लन टॉप ले आया है बाजा। बाजा माने माने अब आप लल्लन टॉप सुन भी सकते हैं। काम करें या आराम फरमाएं, लल्लन टॉप बाजा देगा आपका पूरा साथ।
करना क्या होगा, फटाक से डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और तैयार हो जाइए एक अनूठे ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए। इसी के साथ आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। शुभ रात्रि, शुक्रिया।